हाँ जी, सत श्री अकाल दोस्तों, नवी वीडियो च थोड़ा बहुत बहुत स्वागत है। कि जिवें कि थानू पता है कि दोस्तों दसंबर का महीना चल रहा या फिर देसी कह लो कि पोह का महीना चल रहा है। इस महीने गुरु गोबिंद सिंह जी का सारा परिवार विछड़ गया सीगा, ते बाद विच सारा परिवार उन्हां दा शहीद हो गया सीगा। ते इस करके अज असी मरिंडे खड़े हाँ, जिहड़ा पिछे रोड जा रहा है खरड़ तो आ रहा है, तो इधरों सीधा ही लुधियाने वाले चले जाता, यानी चंडीगढ़ तो लुधियाने रोड से मरिंडा जिहड़ा शहर बनया होया, उत्थे आपां नूं पता लगे कि इत्थे गुरुद्वारा साहब बनया होया जी, गुरुद्वारा कोतवाली साहब। तो आप उत्थे जाके उहदे गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने हैं, तो उत्थे दा इतिहास है वो आपां तुहाडे नाल सांझा करना। लो जी, असीं आ गए हाँ गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहब, पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री कोतवाली साहब मरिंडा। तो इत्थे गुरुद्वारा साहब की जिहड़ी नवीं इमारत बननी है उहदा नक्शा भी इन्हां ने दिया होया है, कुछ इस तरह की इमारत बन के तैयार होवेगी। तो हुण आपां उस पवित्र स्थान के उस जगह के दर्शन करन दे जा रहे हैं। इत्थे गुरुद्वारा साहब के बाहर संगरांद का हुक्मनामा लिखा हुआ है, तो इस दे नाल ही संखेप इतिहास गुरुद्वारा साहब का है। तो ये गुरुद्वारे साहब का जिहड़ा इतिहास है ना, छोटे साहबजादियां ते माता गुजरी नाल संबंधित है, ये इत्थों दा इतिहास है। तो यह वह पवित्र जगह है जिथे कदे माता गुजर कौर जी उन्होंने नाल छोटे साहबजादे ने इत्थे रात कट्टी सी। दस्या जाता है कि इतिहास मुताबक वह इत्थे एक रात लई इत्थे रखे गए सीगे। तो ये कोतवाली उही जगह बनी हुई जिथे अंदर प्रकाश किया हुआ गुरु ग्रंथ साहब का, वीडियो राही आप दर्शन कर रहे हैं। इत्थे अज छुट्टी वाला दिन होने करके संगत भी काफ़ी है, रश काफ़ी होया हुआ है, तो मत्था टेकण भी इत्थे काफ़ी टाइम लग रहा है। जो रस्ता आन जाण दा उस रस्ते राही आपां इत्थे अंदर जाके दर्शन करे हैं। तो थानू बाहर तो मैं ये किस तरह की सी कोतवाली उहदा थानू व्यू दिखा रहे हैं। इत्थे काफ़ी संगत बैठी है, तुसीं देख सकते हो। ये ना उस समय के इतिहासक दरवाजे हैं कोतवाली साहब के, जो तुसीं वीडियो देख रहे हो। इतिहास मुताबक दस्या जाता है कि छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जदों सरसा नदी तो परवाल विछड़िया तो वह गंगू बामण के कोल उसके पिंड सहेड़ी चले गए थे। तो सहेड़ी उहदे कोल रुके, रात रुके, तो गंगू बामण ने इतिहास मुताबक जो दस्या जाता है उन्होंने चोरी कर ली, तो उहदा मन बदल गया सीगा, लालच विच आ गया सी। तो जो माता गुजर कौर ने उन्होंने कहा कि समान तो इत्थे ही है, घरे तो कोई आया नहीं ना कोई बाहर गया है, तो उसनों इस गल का गुस्सा लग्या। तो उसने जाके कोतवाली से शिकायत कर दी कि छोटे साहबजादे तो माता गुजर कौर मेरे घर रुके हुए हैं। तो उसकी शिकायत के मुताबिक उन्होंने उत्थे फड़ लिया गया, तो इत्थे कोतवाली रखा गया, एक दिन एक रात इत्थे रखा गया है। तो उन्होंने खाने को कुछ नहीं दिता गया, भुखण पाने रखा गया, तो ठंड में भी इन्हों बिना किसी कपड़े तो कोई इंतजाम तो बिना ठंड च रखा गया। बाकी हुण इत्थे लिखा हुआ है कि दरबार साहब उपर है जी। इस तो पहला आपां नीचे जिहड़ा वो स्थान है कोतवाली साहब उहदे दर्शन करे हैं, तो हुण उपर जो दरबार साहब उहदे दर्शन करन लई जा रहे हैं। बाकी कोतवाली का मतलब जेल या थाणा हुंदा है, क्योंकि उस समय कोतवाली कह दिंदे सीगे उन्होंने, जेल में रखिया सी एक दिन या थाने च रखिया सीगा, तो इस करके इस स्थान का नाम कोतवाली साहब पै गया है। ये मरिंडे विच बनया होया ते जिला रूपनगर या रोपड़ कह दिंदे आ। तो गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल है जी, चाह का लंगर भी लिखा होया है, तो इत्थे हुण इस टाइम प्रसादियां का लंगर भी चल रहा है जी। गुरुद्वारा साहब की हुण इत्थे कार सेवा का काम चल रहा है, तो इत्थे नवी इमारत बनन लई तैयार हो रही है। तो दस्या जाता है कि इत्थे कार पार्किंग लई बेसमेंट तैयार हो रही है, तो उपर गुरुद्वारा साहब का लंगर हाल तैयार होगा। लो जी, एक बार मैं थोड़ा दोबारा दिखा रहा कि इतों सामने तो इस सड़क तो एंट्री होंगी है गुरुद्वारा साहब लई, तो ये सामने ही इत्थे एंट्री पॉइंट ते नवी इमारत बन रही है। तो उस तो बाद इत्थे गुरुद्वारा साहब के तुसी दर्शन कर सकते हो। नीचे जिहड़ा कोतवाली साहब बनया हुआ मेन स्थान, उपर भी स्थान हुण बनया हुआ, तो इस तो बाद सामने इत्थे नीचे लंगर हाल की बिल्डिंग हैगी है। लो जी, कोतवाली साहब गुरुद्वारा साहब के दर्शन करन तो बाद हुण असी आए हैं जी गुरुद्वारा रथ साहब, जिहड़ा ये रोड आ रहा पिछे मरिंडे तो आ रहा जी, तो अगे यही सीधा रोड रोपड़ नूं निकल जाता है, यानी मरिंडे तो 2-3 किलोमीटर मेन रोपड़ रोड से ही गुरुद्वारा साहब बनया हुआ जी। तो जिहड़ा सहेड़ी पिंड है गंगू बामण के पिंड के नाम वजो जाने जाता, क्योंकि यह गंगू बामण का पिंड सीगा, तो उसके नाम नाल मशहूर है पिंड सहेड़ी। हुण इत्थे जिहड़ा गुरुद्वारा साहब बनया हुआ रथ साहब उहदे बारे आपां इतिहास पढ़ते हैं, तो उहदे दर्शन करते हैं। अज एतवार का दिन है जी, तारीख 18 दसंबर 2022 है, तो अज एतवार होने करके सब जगह रश बहुत है, क्योंकि आपां देखिया कि कोतवाली साहब गुरुद्वारा साहब च भी आपां दर्शन करके आए हैं। छुट्टी वाला दिन होने करके, दसंबर का महीना होने करके
सब जगह रश हैगा है। तो यह पिंड वालों वालों जोड़े सहेड़ी पिंड के लोग है उन्होंने वालों इतने लंगर का प्रबंध किया गया है। इस समय इन्होंने दुध का पकौड़िया का लंगर इतने लाया हुआ संगत वास्ते, तो सामने रोड से ही गुरद्वारा साहब बनया हुआ रथ साहब जिसे आप दर्शन करते हैं। लो जी हुण तुसीं दर्शन कर रहे हो गुरद्वारा साहब, गुरद्वारा रथ साहब सहेड़ी गंगू की खेड़ी, क्योंकि गंगू ब्राह्मण नाल संबंधित पिंड है उहदा पिंड सीगा, इस करके इस पिंड का नाम गंगू की खेड़ी सहेड़ी गंगू की खेड़ी कहा जाता है। गुरदेव माता गुजर कौर जी और जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी दोवें छोटे साहबजादे माता गुजर कौर जी नूं इस रथ में बिठा के इत्थे लियाए सीगे, तो इस करके इस गुरु घर का नाम रथ साहब। इत्थे गुरद्वारा साहब के दरवाजे ते भी लिखा कि यादगार गुरदेव माता गुजर कौर जी बाबा जोरावर सिंह जी बाबा फतेह सिंह जी 2829 मगर ईस्वी 1704 ईस्वी में इत्थे उन्होंने लियाए सीगे रथ च। तो गुरद्वारा साहब के आप अंदर जाके तुहानू दर्शन करवाने जी, ये गुरद्वारा साहब बनया हुआ रथ साहब, तो मनिया जाता कि इस रथ च बैठ के ही दोवें साहबजादे ते माता गुजर कौर जी गंगू जिहड़ा इस पिंड दा सीगा उहदे नाल इत्थे आए सीगे, तो इस करके इस पिंड दा जिहड़ा इतिहास है, इस गुरद्वारा साहब दा इतिहास है वह जुड़िया होया माता गुजर कौर नाल छोटे साहबजादे नाल, ते इस करके इस नूं रथ साहब भी कहा जाता है। तो ये सामने वह गुरद्वारा साहब बनया होया उस जगह पर जिहड़े तुसीं वीडियो च दर्शन कर रहे हो। इत्थे जिहड़ा गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग है जी रथ साहब की, तो वो सामने तुसीं देख रहे हो दी तैयारी चल रही हाले का काम चल रहा है जी, तो इस करके उन्होंने जिहड़ा गुरु साहब का गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है जिहड़ा इधर इस साइड किया होया है। तो हुण इस तों बाद आपां जिहड़ा गुरद्वारा अटक साहब ऐसे पिंड विच बनया होया सहेड़ी पिंड च जिथे मन्नया जांदा है कि वह जिहड़ा गंगू ब्राह्मण सीगा उहदा घर है, तो उत्थे गुरद्वारा साहब बनया होया अज आपां उसके दर्शन करन लई हुण जा रहे हां। गुरद्वारा रथ साहब के नाल ही यह सीधा रस्ता आ जाता जी जिहड़ा उहदे पिंड विच आंदा है, तो इत्थे गुरद्वारा साहब बनया होया गुरद्वारा अटक साहब। लो जी गुरद्वारा अटक साहब के बाहर खड़े हैं, तो इत्थे भी गुरद्वारा साहब का जिहड़ा हैगा कार सेवा का काम चल रहा है, इस करके जिहड़ा महाराज का प्रकाश है दरबार साहब उन्होंने लिखा हुआ कि इस साइड है इधर प्रकाश किया होया है। तो गुरद्वारा साहब का की इतिहास है तुहानू मैं वीडियो दिखाना। पिछले गुरु घर आप दर्शन करके आए जी गुरद्वारा रथ साहब, उत्थे वैसे कोई इतिहास नहीं लिखा सीगा, सिर्फ आप रथ रखिया उस जगह उसको देख के आप अंदाजा अनुमान लगा सकते सीगे। तो ये गुरद्वारा जिहड़ा हैगा ये जिहड़ा अटक साहब है इहदा इतिहास लिखा होया है, इस दे बारे मैं तुहानू दस दिना कि सन 1704 ईस्वी में किला आनंदगढ़ श्री आनंदपुर साहब जदों दशम पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उन्हां दे परिवार अते सिंघां तों धोखे नाल खाली करवाया गया, तो उस वेले बहुत घमसान युद्ध मुगल फौजा नाल होया, अखीरकार दसम पिता गुरु साहब का सारा परिवार सरसा नदी के कंडे ते आके विछड़ गया। वड्डे साहबजादे बाबा अजीत सिंह अते जुझार सिंह गुरु साहबां नाल मुगलों का मुकाबला करते हुए चमकौर साहब वाल चल पए। वड्डे साहबजादे अपनी कौम की खातर लड़दे चमकौर साहब की गढ़ी विच शहीद हो गए, जबकि माता गुजरी जी अते छोटे साहबजादियां बाबा जोरावर सिंह अते फतेह सिंह नाल कम्मो मशकी की झुंगी विच रुके, जिथे गुरु घर का रसोईया गंगू अपने घर पिंड खेड़ी सहेड़ी लै आया, जिस स्थान पर माता जी और साहबजादे रात अटके उस स्थान का नाम हुण गुरद्वारा अटक साहब है। इत्थे मिती 27-28-29 मगर नूं शहीदी सभा लगती है जिथे श्रद्धांजलि भेट करन लई वड्डी गिणती विच संगतां देशों विदेशों तों पहुँचते हैं, क्योंकि इत्थे इतिहास के मुताबिक जिहड़े छोटे साहबजादे और माता गुजर कौर जी रात अटके सी यानी कि रात रुके सी, तां इस करके इस गुरु घर का नाम गुरद्वारा श्री अटक साहब पै गया। तो ये वह बिल्डिंग जी बन रही है कार सेवा का अधीन जो काम चल रहा है, बन के कुछ इवें तैयार होगी, हले का काम उसारी अधीन हैगा, तो काफ़ी व्डा गुरु घर बन जाना आने वाले टाइम से। कार सेवा का काम चलने करके फिलहाल जो प्रकाश है गुरु ग्रंथ साहब का इतने किया हो दर्शन करवा देना जी वीडियो च। अज्ज दे वीडियो च बस इन्ना ही सीगा, जिस विच आपां ने मरिंडे दे विच आके गुरद्वारा कोतवाली साहब ते 2-3 किलोमीटर अगे आके जिहड़ा सहेड़ी पिंड बनया होया गुरद्वारा रथ साहब ते जिहड़ा इत्थे गंगू ब्राह्मण दा घर है पिंड विच बनया होया गुरद्वारा अटक साहब उहदे दर्शन करे हैं। तो उम्मीद है तुहानू ये बिल्कुल ब्लॉग वधिया लग्या होगा, क्योंकि इह बिल्कुल नवीं जगह शायद ही बहुत घट किसी ने देखिया होनिया, तो इस करके तुसीं वीडियो नूं वध तों वध शेयर करियो, तो जे तुसीं चैनल पर नवें आए हो तो चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो,
ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ।